सारा देश गर्व के साथ कह सकता है 1.25 करोड़ से ज्यादा परिवारों ने गैस सब्सिडी छोड़ी। बात का यहाँ तक प्रश्न है, उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी। नमस्कार, मैं हूँ निवेदिता। 2014 से लेकर आज तक यानी कि 2019 तक जब अब फिर एक बार जनता को अपनी सरकार चुनने का मौका मिला है, देश के विकास और उसकी उन्नति के लिए फिर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, फिर चाहे वो नया हो या फिर पुराना, लेकिन मौका जनता के पास जरूर है। उससे पहले हर एक पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए अगले 5 साल में होने वाले कार्यों का एक रोड मैप लाकर जनता के सामने रख दिया है, जिससे जनता आगे आने वाले 5 सालों में यानी 2024 में देश कहां होगा उसका अंदाजा लगा सके। तभी तो पहले कांग्रेस ने, फिर समाजवादी पार्टी ने और अब बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें समाज के हर एक तबके की बात की गई है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा। अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने अपने नारे सबका साथ सबका विकास पर अडिग रहते हुए उसी मुद्दे को अपने इस एजेंडे में भी प्राथमिकता दी है। तभी तो घोषणा पत्र जारी होने के बाद मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2014 के घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने का दावा किया है। 6 करोड़ लोगों की सलाह लेकर तैयार किए गए बीजेपी के 2019 के मैनिफेस्टो की बात करें तो बीजेपी ने साबित कर दिया है कि वो देश के हर एक कोने में खड़े आखिरी व्यक्ति से संपर्क साधने की कोशिश में लगी है। अब हम आपको बीजेपी के 2019 मैनिफेस्टो के वो 10 पॉइंट्स बताते हैं जो साबित करते हैं कि बीजेपी सिर्फ उद्योगपतियों की नहीं बल्कि हर एक वर्ग की हितैषी पार्टी है। राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्धता। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में राष्ट्रवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है, आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को कभी न खत्म करने का वादा किया है। जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता तब तक बीजेपी की इसके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ही जारी रहेगी, जिसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड। बीजेपी ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है और साथ ही भारत में तेजी से जारी घुसपैठ को रोकने की कोशिश का भी मैनिफेस्टो में वादा किया गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल होगा लागू। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को दोनों सदनों में लागू करने की कोशिश का वादा किया है, जिससे कि किसी भी राज्य की संस्कृति और भाषाई पहचान पर कभी भी किसी भी तरह की आंच ना आए। राम मंदिर। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जो हिंदू धर्म से कुछ इस तरह से जुड़ा है कि इसकी बात आते ही हर एक हिंदू की इसके प्रति दिलचस्पी बढ़ जाती है। बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण की नई संभावनाओं को तलाशने का वादा किया है, कहा है कि जल्द से जल्द सौहार्दपूर्ण वातावरण में मंदिर का निर्माण कराने की कोशिश की जाएगी। जम्मू कश्मीर से हटेगी धारा 35A। जम्मू कश्मीर में लागू धारा 35A इसे देश के अन्य राज्यों से अलग करती है। बीजेपी का वादा है कि इस धारा को जम्मू कश्मीर से हटाने की कोशिश करेगी, जिससे जम्मू कश्मीर और भारत के अन्य राज्यों के बीच किसी भी तरह का अंतर न रह जाए, जो कि जम्मू कश्मीर और बाकी देशवासियों के लिए बीजेपी का एक अहम संदेश है। आपको याद ही होगा, अपने ब्लॉग में वित्त मंत्री ने जब इसका जिक्र किया था तो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला बौखलाकर उल जुलूल बयान देने लगे थे। किसानों को पेंशन। अब तक 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को मिलने वाली सालाना 6,000 रुपए की राशि अब सभी किसानों को मिलेगी और सभी छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल के बाद पेंशन देने का वादा भी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किया है। व्यापारियों को भी पेंशन। देश के छोटे दुकानदारों, व्यापारियों जिनकी आमदनी कम है, किसी तरह दुकान के सहारे अपना खर्च निकाल रहे हैं, उनको भी 60 साल के बाद पेंशन की सुविधा देने का बीजेपी की तरफ से वादा किया गया है। क्रेडिट कार्ड पर भी सुविधा। अभी तक 1 लाख के क्रेडिट कार्ड पर जो लोन मिलता था, अब 5 साल तक उस लोन पर किसी भी तरह के ब्याज को 0% करने का वादा बीजेपी के मैनिफेस्टो में किया गया है। पक्के मकान का वादा।
देश के हर एक परिवार तक बुनियादी सुविधाएं देने के लक्ष्य के साथ काम करते हुए बीजेपी ने प्रत्येक परिवार को पक्का मकान देने और साथ ही ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण परिवारों के लिए एलपीजी सिलेंडर देने का वादा भी बीजेपी की तरफ से किया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत अपने निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा सिलेंडर बीजेपी की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में बांटे जा चुके हैं। आयुष्मान भारत से सबको लाभ। देश की सबसे बड़ी योजना के तौर पर स्थापित आयुष्मान योजना का लाभ हर एक जरूरतमंद तक पहुंचाने के लिए अभी के अलावा 1.5 लाख और हेल्थ और अवेयरनेस सेंटर खोलने का एजेंडा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में रखा है। तो ये थी बीजेपी के संकल्प पत्र की वो 10 बड़ी बातें जिनके जरिए बीजेपी 2019 में भी किला फतेह कर जनता के दिलों पर राज करना चाहती है, देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए और काम करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी के मुताबिक वो अभी तक तो पुरानी सरकारों की तरफ से किए गए गड्ढों को ही भर रही थी। देश का असली विकास तो अब शुरू होगा। मैनिफेस्टो जारी करते वक्त बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दृढ़ता से कहा कि जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा 2014 से 2019 के 5 साल स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष के मुताबिक उनकी सरकार को बुनियादी सुविधाओं को जनता तक पहुँचाने में सफलता हासिल हुई है। मैं आज इस इतने बड़े मीडिया का समूह है तो आपका भी और देशवासियों का गत 5 वर्ष में जो सहयोग मिला, समर्थन मिला, और ये जन सहयोग का ही कारण है कि हम इस कार्य को सफलतापूर्वक कर पाए, और इसके लिए मैं देशवासियों का, आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अमान्य रीते ये स्वाभाविक है कि चुनाव के पहले हर राजनीतिक दल अपनी अपनी बात लेकर के आती है, लेकिन राजनाथ जी के नेतृत्व में हमारे अध्यक्ष जी ने जो कमेटी बनाई थी उसने पिछले 2-3 महीने लगातार मेहनत की और एक प्रकार से जन के मन की बात, उनकी आशा अपेक्षा आकांक्षाओं को सुनना समझना और एक डॉक्यूमेंट में भले सब कुछ ना आ जाए लेकिन उसकी मूलभूत बातों को पकड़ करके आगे चलने का ये जो मेहनत की है इस टीम ने, मैं इस टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। शायद हिंदुस्तान में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में सरकार किन बातों को लेकर के आगे काम करे, जनता को इतनी बड़ी मात्रा में विचार विमर्श हुआ है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है और ये लोकतंत्र का ट्रू स्पिरिट है और उसको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टो में 3 प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है। और उसी के आसपास हमारा पूरा ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। इस पूरी रचना जो है उसमें एक आमतौर पर ये मैनिफेस्टो 2024 के लिए है, लेकिन देश की जनता हमारा हिसाब ढंग से मांग सके इसलिए पहली बार हमने साहस किया है कि इंटरिम भी हमारा हिसाब लिया जाए, और वो है 2022 आजादी के 75 साल होंगे तब तक हमने देश के महापुरुषों ने जिन सपनों को लेकर के आजादी का जंग किया था, आजादी के लिए बलिदान दिए थे,
जब आजादी के 75 साल होंगे तब हम उनके सपनों का भारत समर्पित करने की दिशा में कुछ अहम काम कर लें, पूरा कर लें। इस उद्देश्य से 75 वर्ष 75 लक्ष्य ये हमने तय किए हैं, 75 निश्चित कदम हमने तय किए हैं। ये अपने आप में टाइम बाउंड, वेल डिफाइंड, शायद ही कोई घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में आप पहली बार देख पाते होंगे। उसी साथ साथ हम जब इस मैनिफेस्टो को लेकर के आए हैं तो साफ है हमारे मन में वन मिशन वन डायरेक्शन। हम देश को समृद्ध बनाने के लिए, सामान्य मानवी के सशक्तिकरण को लेकर के, जन भागीदारी को बढ़ाते हुए, लोकतांत्रिक मूल्यों को महात्म्य देते हुए, और सरकार की सबसे बड़ी कसौटी ये नहीं होती है कि आपने क्या किया, सरकार की सबसे बड़ी कसौटी है लास्ट माइल डिलीवरी की। और इसलिए वन मिशन वन डायरेक्शन लेकर के हम आगे बढ़ना का हमारा निर्धारित मंत्र है।